अरे आ गए आप लोग। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फोन को मैं डुबा क्यों रहा हूँ। ये है इंडिया का फर्स्ट IP69 वाटरप्रूफ वाला फोन जो कि ओप्पो ने लॉन्च किया है, जो कि ये ओप्पो का F27 Pro Plus 5G फोन, जो कि कंपनी का दावा है कि इस फोन को आप कितना भी देर पानी में क्यों ना छोड़ दो, ये फोन कभी खराब नहीं होगा। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इस वीडियो पे बने रहें और देखें। दोस्तों कुछ महीने पहले ओप्पो ने F25 Pro लॉन्च किया था, जिसकी अपार सफलता के बाद ओप्पो ने F सीरीज का ही F27 Pro लॉन्च किया है, जो कि एडवांस फीचर से लेस है। तो आगे चलते हैं इस वीडियो में और बताते हैं इसमें क्या क्या खास दिया हुआ है। दोस्तों इस फोन के बारे में मैं बता दूं, दोस्तों ये फोन आज के टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आगे जो मैं फीचर्स बताने जा रहा हूँ वो सुनकर आप चौंक जाओगे। आइए जानते हैं इसके एक एक करके स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों सबसे पहले मैं ये बता दूं, इंडिया का ये सबसे पहला IP69 वाटरप्रूफ फोन है। दोस्तों आप इस फोन को लेकर समुन्द्र में चले जाओ, स्विमिंग पूल में चले जाओ, या किसी बेसिन में डाल दो, पानी के बेसिन में, या आप वॉशिंग मशीन में क्यों ना डाल दो, इस फोन में कुछ नहीं होने वाला है। दोस्तों इस बात को मैं प्रूव करके भी दिखाऊंगा, कंटेनर में पानी डाल के भी मैं दिखाऊंगा सही में ये वाटरप्रूफ है या नहीं है। लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं इसके कुछ खास स्पेसिफिकेशन के बारे में। दोस्तों ये आपको दो वेरिएंट में मिल जाएगा, 8128 और 8256। साथ ही साथ ये दो कलर में भी आता है, मिडनाइट नेवी एंड डस्ट पिंक। तो दोस्तों चलते हैं इस फोन को अनबॉक्सिंग करते हैं और इसका देखते हैं फर्स्ट लुक क्या है। Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. दोस्तों इसके बैक पैनल की बात करें तो वो पूरा लेदर फिनिश दिया हुआ आप देख सकते हैं। साइड में आपको पावर बटन दिया हुआ है, उसके बाद साइड में आपको वॉइस अप डाउन की दिया हुआ है, नीचे में आपको टाइप सी पोर्ट दिया गया है, इसमें आप ईयरफोन और चार्ज दोनों एक ही साथ कर सकते हैं। दोस्तों अब हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो वो आपको 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जो कि आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है। वही दोस्तों इसके बैटरी की बात करूं तो 5000 mAh की लॉन्ग लास्टिंग बैटरी दी गई है, जो कि फोन के ड्यूरेशन लाइफ को बढ़ा देती है। वही आपको 5000 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए 67 वाट का सुपर वॉक चार्जर दिया गया है। वही आपको इसके बैक में दो कैमरा देखने को मिलेगा, एक 67 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा। वही इसके एडवांस फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको AI इरेज एडवांस फीचर दिया गया है। अगर आप इस फोन से कोई भी फोटो क्लिक करते हैं और उस फोटो में अनवांटेड ऑब्जेक्ट आ जाए, उसको आप एक क्लिक में AI फीचर्स की मदद से इरेज कर सकते हैं। दोस्तों अब हम इसके एडवांस फीचर्स की बात करें तो वो इंडिया का पहला IP69 से लेस वाटरप्रूफ फोन है। दोस्तों इस बात का प्रूफ मैं पानी में डाल करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो फोन हमारा ऑन है, वर्किंग कंडीशन में है, देख सकते हैं। और ये डमी है इस बॉक्स में, इसको हम निकालेंगे और इस फोन को हम डालेंगे इसमें। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने इस फोन को इस बॉक्स में डाल दिया है और लाइव टेस्ट करेंगे कि ये फोन सही में वाटरप्रूफ है या नहीं है। कंपनी का दावा है कि ये फोन वॉशिंग मशीन में जाने के बाद भी खराब नहीं होगा, कहीं भी फेंक दो, कहीं भी चले जाए, किसी भी पानी में चले जाए, कुछ भी नहीं होगा। तो आज हम चेक करने वाले हैं कि कंपनी का दावा सही है या नहीं है। दोस्तों मैं तो खुद शॉक्ड हूँ। अरे यार ओप्पो का पहला फोन जो कि वाटरप्रूफ, सही में वाटरप्रूफ है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ओप्पो का दावा सही हो गया। दोस्तों इस फोन को आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो अभी इसकी प्री बुकिंग चल रही है, जो कि आप मेरे शॉप पे आके प्री बुकिंग करा सकते हैं। अगर आप इस फोन को मेरे शॉप पे आके प्री बुकिंग कराते हैं तो मेरे तरफ से एक स्मार्ट वॉच, एक ईयरबड, एक लैपटॉप बैग फ्री में दिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों कंपनी ने इस फोन पे प्री बुकिंग कराने वालों को 6 मंथ का डैमेज प्रोटेक्शन दिया है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो पे कॉमेंट करते हैं तो हो सकता है लकी ड्रॉ के माध्यम से आपको ये फोन मिल जाए। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी कमेंट करें और शेयर करें, हो सकता है अगला लक आप ही का हो।
दोस्तों इस फोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में आप लोग की क्या राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों मैं इस फोन को लास्ट पानी में डाल देता हूँ, कल सुबह निकालूंगा।